हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल में। आज हम आए हैं टाटा मोटर्स में, जहां हम रिव्यू करने वाले हैं टाटा सफारी को, जो कि 22 फरवरी को लॉन्च होने वाली है। तो आज हम जानेंगे इसके फीचर्स के बारे में और क्या क्या इसकी खूबियां हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये है ऑल न्यू टाटा सफारी, जो कि काफ़ी दिखने में काफ़ी सुंदर है। और आज हम रिव्यू करने वाले हैं इसी गाड़ी का। आप देख सकते हैं बाहर से इसका लुक कितना सुंदर दिख रहा है। तो ये देखिए, ये है टाटा सफारी, जो कि ब्लू कलर में है। और आज हम जानने वाले हैं इसके बारे में। तो बताइए इसके बारे में क्या क्या फीचर वगैरह हैं, आप बताइए विवेक जी। इसमें आप इलेक्ट्रॉनिक सीट मिलेगी। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉनिक सीट है, आप देख सकते हैं। क्रूज कंट्रोल इसमें आ जाते हैं जी। क्रूज कंट्रोल इसमें आ जाते हैं। क्रूज कंट्रोल में कैसा रहेगा? क्रूज कंट्रोल में ऐसा रहता है कि हाईवे पे चलना है और आपको अपने पे किस स्पीड पे चलना रहता है। अच्छा, क्रूज कंट्रोल एक्टिवेट करके उसे एक स्पीड पे हम चल सकते हैं, फिर एक्सीलेटर पे पैर रखने का जरूरत नहीं रहता है। अच्छा, फिर 8.8 का डिस्प्ले आ जाता है इसमें। अच्छा, आप देख सकते हैं ये डिस्प्ले यहाँ पे। JBL के म्यूजिक सिस्टम्स आ जाएंगे इसमें, और ये JBL का म्यूजिक सिस्टम वगैरह है इसमें। स्पीड मल्टी ड्राइव मोड्स आ जाते हैं, टक्सन मोड्स आ जाते हैं। अच्छा, मल्टी ड्राइव मोड्स हैं। और इसके अलावा आप देख सकते हैं ये रूफ टॉप भी है, 6 सीटर है, जो कि देखने में अंदर से ऐसी दिखती है, आप देख सकते हो, जो कि काफ़ी कंफर्टेबल है बैठने में। इसके अलावा और क्या क्या फीचर हैं? इसका जो ग्लव बॉक्स है, फुल ग्लव बॉक्स है, फ्रीजर टाइप का काम करेगा। अच्छा, और इसमें आपको 6 एयरबैग्स मिल जाएंगे। अच्छा, 6 एयरबैग, तो कि जो कि बहुत ही अच्छा है। 6 एयरबैग मतलब कि हर सीट में एयरबैग लगा हुआ है। और इसका प्राइस वगैरह कितने से स्टार्ट होता है? अच्छा, प्राइस अभी नहीं आया है, और सभी स्टेट का वैसे अलग अलग ही प्राइस होगा, टैक्स वगैरह जो भी रहते हैं। इसके अलावा ये डीजल में है और किस में है? डीजल पे ही आएगा। डीजल पे ही है सिर्फ ये गाड़ी। ये टायर जो है ये 18 इंच का है। हाँ, विद डायमंड कट सलाइविल। अच्छा, विद डायमंड कट सलाइविल, आप देख सकते हैं। और इसकी ये डिज़ाइन है, और काफ़ी सुंदर देखने में ये, जो कि 22 फरवरी को लॉन्च होने वाला है, मतलब कि 48 घंटों में। इसमें और कौन कौन से कलर आ सकते हैं? एक ब्लू आता है, एक वाइट आता है और एक ग्रे आता है। अच्छा, मतलब 3 कलर आ सकते हैं इस गाड़ी में, आप 3 कलर में कोई एक कलर ले सकते हो। और ये आपके नज़दीकी टाटा मोटर शोरूम में 22 फरवरी से अवेलेबल हो जाएगा, लॉन्च हो जाएगा। आप जाके वहाँ पे, इसके अलावा जो पूछना है आप वहाँ जाके पूछ सकते हो। बाकी आप अगर देखना चाहते हो तो ये पूरा लुक है इस गाड़ी का, ये ऐसी दिखती है सामने से। ये आप बैक सीट देख सकते हो यहाँ पे, ये बैक सीट है, ये यहाँ से ऐसा व्यू बनता है। ये रूफ टॉप है, देख सकते हो। इसके अलावा ये सबसे पीछे वाली सीट है। पीछे वाली सीट में भी आपको एसी वेंट मिल जाएंगे, चार्जिंग पॉइंट मिल जाएंगे। ये पीछे वाली सीट में आपको चार्जिंग पॉइंट वगैरह भी मिल जाएगा, एसी वेंट है, और JBL का बॉक्स आप देख सकते हैं यहाँ पे। और ये जो आप देख सकते हैं मिरर, और ये ऑटो डिम IRVM है, जो कि आप नाइट के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। और ये देखिए, गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है और सनरूफ ऑन होने वाला है यहाँ पे। ये पीछे तरफ का भी ऑन होता है, नहीं होता है? अच्छा, ये देखिए सन रूफ टॉप, यहाँ से आप व्यू देख सकते हैं कैसा बनता है गाड़ी का। ये देखिए, ये डिजिटल क्लस्टर मीटर मिल जाएंगे इसमें आपको, एम्पलीट्यूड डिस्टेंस दिखाएगा, फ्यूल दिखाएगा, फ्यूल में कितना किलोमीटर चल सकते हैं ये सब आपको इसमें दिखाएगा, एवरेज दिखाएगा, टेम्परेचर दिखाएगा, टाइमिंग दिखाएगा, सब जिसमें आपको डिस्प्ले में दिखाएगा।
कौन से मोड्स पे है ये भी दिखाएगा। तो इसका लगभग कितना पड़ेगा रेट अगर? शोरूम 16 लाख से 21.5 लग जाएगा। अच्छा, 16 लाख से 21.5 लाख तक। अच्छा, तो इसका जो टेंटिव है वो 16 से 21 तक जा सकता है। उसके अलावा एक्स्ट्रा क्या कुछ लगता है? आरटीओ लगेगा, इंश्योरेंस लगेगा। अच्छा, आरटीओ इंश्योरेंस वगैरह मिला के जो भी अमाउंट होगा, टैक्स वगैरह ऐड होता है ना, वो सब मिला के अराउंड आपको 16 से 22 के आसपास का पड़ेगा ये। दोस्तों, इसमें अलग अलग मोड है ड्राइविंग के लिए, इनसे जानते हैं कौन कौन से मोड है। इसमें आपको इको मोड मिल जाएंगे, इको मोड पे आपको एवरेज अच्छी मिलती है। अच्छा, ख़राब रास्ते में चलना है उसके लिए रफ मोड है, वो एक्टिवेट करेंगे तो आप उस रफ मोड पे चल सकते हैं। अच्छा, वेट मोड है, रेड टाइप के मोड्स पे चलने हो तो जगह पे। उसके बाद गाड़ी को तेज भगानी है उसके लिए स्पोर्ट्स मोड दिया हुआ है, जिससे गाड़ी का पावर पिकअप बढ़ जाता है। अच्छा, और इसमें क्या आएगा, इकोनॉमी मोड्स, इससे आपको एवरेज अच्छी मिलेगी। अच्छा, और इसमें आपको मिल जाएगा हिल होल्ड ट्रैक्शन कंट्रोल। अच्छा, तो दोस्तों ये गाड़ी के अलग अलग मोड हैं, जैसी रोड है वैसा उस मोड में आप गाड़ी को चला सकते हैं। अगर आपको रफ चलानी है तो स्पोर्ट्स मोड है, उसके अलावा इकोनॉमी मोड है, और भी कई सारे मोड हैं। जो जैसी रोड है उस हिसाब से आप उस मोड को सेलेक्ट करके गाड़ी को चला सकते हो, जो कि बहुत ही अच्छा फीचर है इस गाड़ी का। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद हुई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप नए हैं तो फिर मिलते किसी और ब्लॉग में किसी और चीज़ को एक्सप्लोर करते हुए।